अभी हम इस बाज़ार से आगे एक और बाज़ार है जिसको ट्रेडिशनल बाज़ार कहा जाता है, उसमें आप इनके ट्रेडिशनल क्लोथ और बाकी तमाम चीज़ें खरीद सकते हैं। अब उस तरफ जा रहे हैं हम। ये बाज़ार सेम सियाह बाज़ार की तरह है, लेकिन ये सियाह बाज़ार से काफ़ी हद तक चीप है। और अगर आप बेशूर देखना चाहते हैं तो ये बेशूर है। ये यास्मीन है, ये हमारी क्लास फेलो एलिनोरा की बेटी है। ये भाई हमें यहाँ पे लाने वाले हैं, ये हमारी प्रोफेसर हैं, और ये सारी शॉप्स हैं जो आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे टैक्सी ड्राइवर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत चीप है। ये बाज़ार बहुत पुराना बाज़ार है, तकरीबन ये भी आज से कहा जाता है कि उज़्बेकिस्तान के अंदर हज़ारों साल पहले भी ये बाज़ार जो है वो एग्जिस्ट करता था, जब ये उज़्बेकिस्तान नहीं हुआ करता था, जब अमीर तामूर इसके ऊपर हुकूमत किया करते थे तब ये बाज़ार जो है वो यहाँ पे मौजूद होता था। ये यहाँ पे और वुमेंस के लिए शूज़ मौजूद हैं, कॉस्मेटिक, परफ्यूम। और ये अभी हम इनके ट्रेडिशनल बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इनका एक ट्रेडिशनल बाज़ार भी है। ये तमाम वो शॉप्स हैं जहाँ पे आप आकर जो है वो इनके वुमेन ट्रेडिशनल क्लोथ ले सकते हैं। ये मैं खुद हूँ भाई, और ये तमाम ख्वातीन के लिए मुख्तलिफ तरह के जो हैं वो क्लॉथ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सिर्फ ख्वातीन के लिए नहीं, यहाँ पे मेल्स के लिए भी जो हैं वो शर्टें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे इस तरह की शॉप्स मौजूद हैं, अगर आप इन शॉप्स के अंदर जाएं तो यहाँ पे तमाम तर ट्रेडिशनल क्लोथ जो हैं वो आप बाय कर सकते हैं। इनके हैंडमेड जो हैं वो इनके बेडरूम्स के लिए, बाकी ये वुमेंस के लिए क्लोथ हैं। और ये बाज़ार इंतहाई चीप है, अगर आपको मैं दिखाऊँ आगे जाके यहाँ पे, अगर ये आप शर्टें देखें जो मेंस के लिए हैं तो इसकी कॉस्ट जो है वो $2 है। अगर आप ये सारी शर्ट्स देखें तो इनकी कॉस्ट जो है वो $2 से $4 के अंदर जो है वो वेरी करती है। तो इसके अंदर जो है वो बाकी वुमेंस के लिए क्लोथ मौजूद हैं, आप कोई भी यहाँ से आके जो है वो क्लोथ जो है वो ख़रीद सकते हैं। और ये इनकी वुमेंस के लिए काफ़ी ट्रेडिशनल बाज़ार है इनका, यहाँ पर अगर आप देखें तो हैंड मेड जो है वो चीज़ें मौजूद हैं घर के लिए। यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी चीप है। अब ये देखें, अब आपको ये मिलेगा 60,000 सोम, यानी कि एवरीथिंग इज़ इन $6 यू कैन बाय हियर। ये उर्गत के अंदर एक पुलाव शॉप है, आप देखें ये पुलाव है, ये राइस, और राइस के साथ कैरेट जो है रखी हुई है, ये साथ मीट है। और ये बड़ा फेमस जो है वो पुलाव है उर्गत के अंदर, अगर आप यहाँ आते हैं तो आप ये पुलाव ज़रूर ट्राई करें। अभी हम ट्राई करेंगे, ट्राई करके मैं आपको बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है। ये सब कुछ जो है वो साथ बनाते हैं। Yes, I am from Pakistan. आप देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है इसी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। सो अभी हम वहाँ बैठे हैं सामने, तो अभी खाने के बाद आपको मिलेंगे। ये पुलाव उसने यहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ ये नान रखते हैं इसके ऊपर, और अभी ये हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में जो है वो आपको ट्राई करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। यार हमारे पुलाव आ गए, पुलाव देखें यार क्या मज़े के पुलाव हैं, मैंने टेस्ट किए, बहुत मज़े के, मज़ेदार। बेशूर जान,
پاکستان پاکستان سنگ سنگ لک لک سو مینی آئی ایم کم ان ٹو بازار کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں ہم بازار میں آئے ہیں آپ دیکھیں کتنی عوام جو ہے وہ ساری اکٹھی ہوئی ہوئی ہے تو یہ لوگوں کا بڑا پیار ہے جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہیں تو لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یار میں یہاں آیا تھا ازبیکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ میوزک بھی گا رہی ہیں عورتیں اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ آئی تھنک وومینس کے لیے ہے یہ چادر بھی وومینس کے لیے ہے تو یہ میرے اوپر پہنا دی گئی ہے میں ارگت بازار کے اندر موجود ہوں جو کہ 40 کلومیٹر اوے ہے سمرکند ٹو one thing I want to tell you that the Uzbek is so much hospitality nation, very good, very loving and very caring. Whenever you came here, they are giving so much love to you. I was, you know, I am popular in Uzbekistan now. ہم ارگت بازار کے اندر موجود ہیں اور یہ ارگت بازار ہے اور ارگت بازار جو ہے یہ سمرکند سے تقریباً کوئی 40 کلومیٹر یا 43 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ یہ بازار کافی فیمس ہے، کافی پاپولر ہے۔ اس کی پاپولرٹی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ازبیکستان کے ٹریڈیشنل جو ہیں وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، ٹریڈیشنل کلوتھ خرید سکتے ہیں۔ ہیلو، یہاں پہ آپ جو ہے وہ مختلف طرح کے کلوتھ خرید سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سیاہ بازار دکھایا تھا، یہ بالکل سیاہ بازار کی طرح ہے، لیکن یہاں پہ جو قیمتیں ہیں یا یہاں پہ جو پرائز ہیں وہ کافی حد تک کم ہیں اگر کمپیئر کیا جائے سمرکند کے ساتھ۔ یار یہ وہ صندوق ہیں، جب بھی ان کی کوئی جو ہے وہ شادی کرتے ہیں، جب بھی کسی عورت کی، کسی فیمیل کی، تو اس صندوق کے اندر جو ہے اس کو کچھ چیزیں رکھ کے دی جاتی ہیں۔ یہ صندوق اس وجہ سے ان کا ٹریڈیشنل بھی ہے اور ایک پاپولر صندوق ہے۔ اور یہ آگے ان کا بازار ہے، یہاں پہ کچھ کارپیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، کچھ ٹریڈیشنل کارپیٹس ہیں، کچھ لوکل عام مارکیٹ کے کارپیٹس ہیں۔ یہ بالکل سیاہ بازار کی طرح ان کا بازار ہے۔ آپ کو میں اس پاکستان میں یہ ارگت بازار کے اندر ایک اور شاپ ہے اور یہ ان کی پلاؤ شاپ ہے۔ اور سننے میں یہ آیا کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ، اس میں میری کلاس فیلوز ہیں اور میرے جو ہیں وہ ایک کیا کہتے ہیں پروفیسرز ہیں اور کلاس فیلوز ہیں باقی، اور باقی جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کے مطابق ہے یہاں کا کافی پاپولر پلاؤ ہے۔ Just for the plovtis
गाइज आज हमने आपको उर्गुत का बाजार दिखाया और इतना ज्यादा फन किया. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन. और अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप इसको अनलाइक भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं, कौन सा फन देखना चाहते हैं. सो गाइज इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए. अपनों में रहिए, अपनों का ख्याल रखिए. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में.